समंदर के बीचों बीच 40 फुट का शिप है और उसके चारों तरफ फैली हुई है आग। ये नजारा न तो शिप पर बैठे किसी ने कभी देखा था ना ही कभी देखेगा, मगर शिखर अकेला था जो इस नजारे का आनंद ले रहा था। बाकी सब चिल्ला रहे थे कि आग को कैसे भी करके बुझाना होगा हमें। शीना अपने पांव पटकते हुए शिखर के पास आती है और उससे सवाल करती है, दिमाग तो सही है तुम्हारा, ये क्या पागलपन चढ़ा है तुम्हारे सर पर, करना क्या चाहते हो? शिखर कुछ बोलने ही वाला था कि एक मॉडल बोल पड़ती है, हम सबको मरवाना चाहते हो क्या? शिखर सबको शांत करते हुए बोलता है, ये आग बस थोड़ी देर में वैसे ही बुझ जाएगी, ये तेल पे नहीं शराब पर लगी आग है, थोड़ी देर में जैसे जैसे शराब पानी से मिलती जाएगी ये आग अपने आप बुझ जाएगी। बबीता भी शिखर पर चिल्लाती है, आखिर मकसद क्या था तुम्हारे इसके पीछे? शिखर अपना हाथ ऊपर की ओर दूर आसमान की तरफ उंगली करता हुआ कहता है, मेरा मकसद सफल हुआ, वो देखो। सब मुड़कर ऊपर की ओर देखते हैं और ये देख हैरान होते हैं कि आसमान में हेलीकॉप्टर उनकी ओर आ रहा था। ये वही हेलीकॉप्टर है जो थोड़ी देर पहले इस शिप का एक चक्कर लगा के गया था। शिखर बबीता की ओर देखते हुए कहता है, इस शिप पार्टी के दौरान मैं शुभचिंतक को इतना परेशान करने वाला हूँ कि मेरी जिंदगी के बारे में सारी बातें जानने का शौक उतर जाएगा उसका। बबीता बिना कुछ बोले यहाँ से चली जाती है। हेलीकॉप्टर शिप के चारों ओर आग के बुझने का इंतजार करता है और आग जैसे ही बुझती है वहां से चला जाता है। धीरे धीरे बाकी सब भी शिखर को वहां अकेला छोड़ अपने कमरे की ओर बढ़ जाते हैं और तुरंत शिखर के फोन में एक संदेश आता है जिसे देख शिखर के चेहरे की सारी हंसी गायब हो जाती है। उस संदेश में लिखा था, मुझसे मिलने की ये कोशिश तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली, तुम्हारी इन हरकतों से मैं निराश हूँ, आपका शुभचिंतक। शिखर को शुभचिंतक की प्रतिक्रिया का इंतजार तो था मगर उसे नहीं पता था कि प्रतिक्रिया इतनी मामूली सी होगी। शिखर मन ही मन सोचता है कि ये शुभचिंतक ऐसे हाथ में आने वाला नहीं है, अब तो इससे भी बड़ा कुछ करना होगा, मेरी चाल समझने में इसे एक पल भी नहीं लगा। शिखर इसी सोच में खोया हुआ था कि शुभचिंतक के खिलाफ उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। बबीता के चिल्लाने की आवाज आती है, शिखर उस ओर भागता है और पहुंचते ही देखता है रवि जमीन पर गिरा हुआ है, उसके गाल लाल हैं। उसके सामने मुट्ठी बांधे खड़ी थी बबीता। बबीता की आंखें लाल थी और सांसें तेज। ये सब देख वहां खड़ी शीना और शिखर को इतना अंदाजा लग ही जाता है कि नशे में चूर रवि ने बबीता के साथ कुछ तो करने की कोशिश की जिससे बबीता गुस्से में आ गई। बबीता चिल्लाते हुए रवि को बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की, कोशिश कैसे की तुमने, आज के बाद फिर कभी ऐसा कुछ किया तो सिर्फ थप्पड़ नहीं लगाऊंगी, वो हाल करूंगी कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, और तेज कदमों के साथ अंदर जाने लगती है। शिखर रवि की ओर बढ़ ही रहा होता है कि शीना उसे रोकते हुए बबीता की ओर इशारा करते हुए कहती है, रवि से मैं बात करती हूँ, बबीता मुझसे नहीं शांत होने वाली, उससे तुम बात करो। शीना की बात मानते हुए शिखर बबीता के पीछे जाता है। शिखर की नजरों से बबीता गायब हो गई थी, न जाने कहां चली गई है। यही सोचते हुए शिखर उसे ढूंढ ही रहा था कि एक स्टाफ माथे पर पसीना लिए उसकी ओर ही आ रहा था। स्टाफ रसोई की ओर इशारा करते हुए कहता है, मैडम उस तरफ गई है। शिखर जैसे ही रसोई में घुसता है एक प्लेट उड़ती हुई उसकी तरफ आ रही थी। शिखर समय पर झुक जाता है और प्लेट सीधे उड़ते हुए शिप के बाहर की ओर निकलकर सीधे समंदर में जा गिरता है। शिखर अपने आप को संभालता है, उसे समझ नहीं आ रहा कि सामने खड़ी बबीता जो रसोई के सामान फेंके जा रही थी उसे शांत कैसे कराए। शिखर बबीता का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए बोला, रवि ने जो भी किया वो गलत था, मगर इतना तो तुम्हें भी पता है रवि वैसा बिल्कुल भी नहीं है। शिखर के इस बात ने मानो आग में घी डालने का काम किया हो। बबीता एक बर्तन का सेट नीचे जमीन पर तोड़ती है और शिखर को जवाब देती है, एक पल के लिए मान लो तुम्हारा दोस्त नहीं है, क्या फिर भी तुम उसके किए पर पर्दा डालते हुए ऐसा बोलते? क्या तुम्हारे किसी अपने को या किसी दोस्त को कोई ऐसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता तो क्या फिर भी तुम यही बोलते? शिखर सर झुकाए बबीता की बातें सुन रहा था, उसके पास बबीता के लिए कोई जवाब नहीं था। बबीता अपने आप को शांत करते हुए वहीं एक कुर्सी पर बैठती है। शिखर उसके करीब जा जमीन पर बैठते हुए धीमी आवाज में बोलता है, मैं उसकी तरफ से माफी मांग रहा हूँ, मुझे यकीन है कल जैसे ही वो होश में आएगा सबसे पहले आकर तुमसे माफी मांगने वाला है। बबीता शिखर को अपने मन की बात साफ साफ बताती है, मुझे नहीं चाहिए उससे कोई माफी, मुझे उसकी शक्ल अपने आस पास देखना भी नहीं है, यहाँ तक कि जब होटल के कमरे में आऊंगी तुमसे मिलने या तुम पर निगरानी रखने तब ध्यान रहे रवि वहाँ नहीं होना चाहिए, और अगर रवि वहाँ मौजूद रहा तो मैं नहीं रहूंगी, भले ही मुझे काम से क्यों ना निकाल दिया जाए। शिखर भी हामी में अपना सिर हिलाते हुए आश्वासन देता है कि जो बबीता ने बोला है वही होगा, यहाँ से जाने के बाद जब तक तुम रवि से मिलने को तैयार ना हो जाओ रवि होटल नहीं आएगा। दूसरी ओर शीना शिप के रेलिंग के पास खड़े रवि से इसी विषय पर बातें कर रही थी।
चीना रवि की आंखों में आंखें डालकर बात करने की कोशिश कर रही है। क्या हो गया था तुम्हें? मगर रवि बस अपनी नजरें चुरा रहा था चीना से। रवि की आंखों से आंसू की एक धार निकलती है और वो बोलता है, मुझे भी नहीं पता कि क्यों किया मैंने ऐसा, कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या करूं। शीना के पास रवि को बोलने को कुछ नहीं बचा था। तभी रवि तुरंत अपने आप को चोट पहुंचाते हुए अपना हाथ जोर से रेलिंग पर पीटने लगता है। शीना उसे रोकने की कोशिश करती है। रवि के हाथ से खून बहना शुरू हो गया था। शीना उसके दोनों हाथों को अपने हाथों के बीच कस कर पकड़ कर उसे रोकती है ऐसा करने को। शीना चिल्लाते हुए रवि से कहती है, अपने आप को चोट पहुंचाने की जगह उससे माफी मांगो। अगर सच्चे दिल से मांगोगे तो जरूर माफ कर देगी। ऐसे पागलों जैसी हरकतें करते रहे तो जिंदगी भर मुड़कर भी नहीं देखेगी तुम्हारी तरफ। रवि शीना की ये बात सुन थोड़ा शांत होता है और बोलता है, मैं अभी उससे माफी मांगकर आता हूँ। शीना उसका हाथ पकड़ उसे रोकती हुई बोलती है, अभी सही वक्त नहीं है, गुस्से में ही होगी वो, अभी जाओगे तो बात और बिगड़ जाएगी, कल जब वो शांत हो जाए तब माफी मांगना, समझे। रवि शीना की बात मानते हुए वहीं रुक जाता है। अपने दिमाग में बार बार अपने आप को कोसते हुए कुछ देर वहीं बैठा रहता है। देर रात हो चुकी थी लेकिन दोनों मॉडल्स अब तक जगी हुई थी। आपस में उनके बीच किसी बात पर गहरी चर्चा चल रही थी। एरिका अपने होठों पर हाथ फेरते हुए कहती है, सही मौका है ये, लाइफ की सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। निधि अपने माथे पर शिकन लिए बोली, मुझे लग रहा है हम पकड़े जाएंगे, अभी भी मौका है, प्लान कैंसिल करते हैं। एरिका निधि को चेतावनी देते हुए कहती है, अब ये सब बातें नहीं करने वाले हैं हम, जो फैसला किया था वही करेंगे और प्लान के हिसाब से ही करेंगे। आज के बाद ऐसा मौका नहीं मिलने वाला हमें, अपने आप को संभालो और तैयार कर लो, प्लान तो आज एग्जीक्यूट करके ही रहेंगे। निधि ने आज तक कभी एरिका के खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी, आज कैसे उठाती। अपने मन में बैठे डर को छिपाते हुए एरिका की हाँ में हाँ मिलाती है। एरिका बड़े प्यार से निधि का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहती है, प्लान सक्सेसफुल हुआ तो चांदी ही चांदी, पर अगर फेल हुआ तो हमारा करियर खत्म, ये बात याद रखना। दूसरी ओर शिखर बबीता से बात करने के बाद वापस अपने कमरे की तरफ निकल पड़ता है। शिखर के कदम थोड़े से लड़खड़ाने लगे थे। जैसे जैसे समंदर की लहरों पर शिप ऊपर नीचे हो रहा था, शिखर भी चलते चलते गिरे जा रहा था। कितना भी कोशिश कर ले मगर अपने कदम संभाल नहीं पा रहा था। तभी कप्तान वहां आता है और शिखर को सहारा देते हुए उसका हाथ अपने कंधे पर रख बोलता है, सर आइए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ आता हूँ। शिखर इस हालत में नहीं था कि कप्तान को मना कर पाए और बात मानते हुए अपना सारा भार कप्तान पर डाल देता है और कप्तान उसे लेकर कमरे की ओर बढ़ जाता है। वो दोनों जा ही रहे होते हैं कि तभी कप्तान के हाथ से उसकी अंगूठी निकल नीचे गिर पड़ती है। कप्तान शिखर को बगल में कुर्सी पर बैठा अपनी अंगूठी उठाता है। शिखर उसकी पुश्तैनी अंगूठी को देख बोलता है, ऐसी अंगूठी तो मैंने आज तक नहीं देखी, काफी नायाब लग रही है देखने में। जी ये खानदानी अंगूठी है हमारे परिवार की। इतना बोल कप्तान फिर शिखर को उठा कमरे की ओर बढ़ जाता है। मगर शिखर इतने नशे में था कि इससे पहले कमरे तक पहुंचे वो वहीं सो चुका था, इस बात से अनजान कि अगली सुबह कौन सी नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। अगली सुबह हो चुकी है। यहाँ शिखर के पास अनन्या और शीना आती है। शिखर जल्दी उठो, तुम्हारी जरूरत है। शिखर को नींद से जगाने की दोनों कोशिश कर रही है। अनन्या शिखर का शरीर धीरे से हिला रही थी उसे जगाने को, मगर शिखर तस से मस ना हो रहा था। तभी एक गिलास पानी शिखर के मुंह पर पड़ता है। उसकी आंख खुलती है, सामने धुंधला सा नजारा देख वो उठता है और देखता है अपने हाथ में गिलास लिए शीना उसके सामने खड़ी है। कल रात का नशा अब तक उतरा नहीं था। शिखर को ऐसा लग रहा था मानो उसके सर पे कोई जोर से मारे जा रहा है। अपना सर पकड़ शिखर आंखें खोलने की कोशिश करता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आसपास क्या चल रहा था। अनन्या शीना पर चिल्लाती है, ये क्या तरीका है किसी को जगाने का। शीना भी तुरंत जवाब देती है, रात भर नशे में चूर होकर न जाने क्या क्या किया है इसने, और मुसीबत आ खड़ी है तो ये सो रहा है। शिखर शीना की इस बात को सुनते ही पूछता है, अब कौन सी मुसीबत आ गई। शीना जवाब देती है, तुम्हारी दोनों मॉडल्स ने कमरा अंदर से बंद कर लिया है और बोल रही है शिखर से ही बात करेगी, आखिर ऐसा क्या हो गया। शिखर अपने आप को उठाते हुए पूछता है, इसका जवाब सिर्फ तुम्हें ही मिल सकता है, जाओ और जाकर बात करो उनसे, शीना जवाब देती है। शिखर लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है। अनन्या उसे एक गिलास पानी थमाती है, जिसे बस एक घूंट में ही खत्म कर शिखर मॉडल्स के कमरे की ओर बढ़ जाता है। कल रात की बात पर नाराज होकर कहीं वापस तो नहीं जाना चाहती ये दोनों, शिखर मन ही मन सोचते हुए उनके कमरों तक पहुंचकर दरवाजा खटखटाता है। एरिका दरवाजा खोलती है और जैसे ही शिखर को देखती है उसका कॉलर पकड़ लेती है। शिखर को कुछ समझ नहीं आ रहा था इससे क्या हो गया अचानक से। एरिका का बस चलता तो एक थप्पड़ भी रसीद देती है शिखर को, मगर उससे पहले शीना सामने आ जाती है
और पूछती है, अब तो शिखर आ गया है, अब तो बता दो आखिर बात क्या है। एरिका शिखर का कॉलर खींचते हुए बोलती है, इसी से क्यों नहीं पूछते तुम सब, कल रात नशे में सब भुला दिया क्या तुमने शिखर? नशे में चूर होकर मेरी दोस्त के साथ जबरदस्ती करते हुए इस बात का ख्याल ना किया तुमने? एरिका ने जैसे ही ये बात बोली, वहां खड़े सभी को मानो जोर का झटका लगा। किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था, सब बस शिखर की ओर देखे जा रहे थे। एरिका अपनी बात जारी रखते हुए बोलती है, क्या लगा, पैसे वाले हो तो जिसके साथ जो मर्जी चाहो वो करोगे। मुझे और मेरे दोस्त को इंसाफ चाहिए। अब जैसे ही सिटी पहुंचेंगे तुम सीधा जेल जा रहे हो मिस्टर शिखर। शिखर अपना कॉलर छुड़ाते हुए बोलता है, ये हो नहीं सकता है, कल रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। एरिका तंज कसते हुए बोली, नशे में की हुई अय्याशी की बात भला तुम क्यों याद रखोगे? शिखर एरिका की बात काटते हुए बोला, मैं अपनी बात साबित कर सकता हूँ। इस उन दोनों मॉडल्स चौंक जाती है। कमरे के अंदर चेहरा छिपाए बैठी निधि सोचती है, कहीं हमारा सच सामने ना आ जाए। शिखर अपनी बात जारी रखते हुए बोलता है, कप्तान को बुलाओ, कल रात मुझे कमरे तक वो खुद छोड़ के गए थे, वो मेरी बेगुनाही का सबूत देंगे। और शिखर वहां पास में ही खड़े एक स्टाफ को कप्तान को बुलाने का निर्देश देता है। अनन्या शिखर से कहती है, कहीं सच में तुमने भी रवि की तरह नशे में कल रात? एरिका ये सुनते ही बोलती है, ये और इसका दोस्त दोनों ठहरे अमीर, शराब पीते ही शबाब भी चाहिए होता है इन्हें। शीना एरिका की बात काटते हुए बोली, मुझे शिखर पर पूरा भरोसा है, वो नशे की हालत में भी ऐसा कभी नहीं कर सकता। शीना की ये बात सुनते ही अनन्या भी शिखर का पक्ष लेते हुए बोलती है, और नहीं तो क्या, मैं मान ही नहीं सकती कि ऐसा कुछ शिखर ने किया है। तभी स्टाफ के साथ साथ कप्तान भी आता है वहाँ पर। कप्तान को देख शिखर अपना सीना चौड़ा करते हुए पूरे आत्मविश्वास से सवाल करता है, कल रात आप मुझे मेरे कमरे में छोड़ने साथ ले गए थे या नहीं? कप्तान सर हिलाते हुए, जी सर, कहता है। शिखर हंसते हुए एरिका को जवाब देता है, मिल गया तुम्हें तुम्हारा जवाब, या मुझ पर और कोई झूठा इल्जाम लगाना बाकी है अभी? एरिका शिखर की बात नजरअंदाज करके कप्तान के सामने जा खड़ी होती है और पूछती है, क्या कल रात जब तुम शिखर को उसके कमरे में ले जा रहे थे, उसने तुम्हें धक्का देते हुए जबरदस्ती इस कमरे में घुस कमरा अंदर से बंद कर लिया था या नहीं? कप्तान पहले की तरह सिर हिलाते हुए हाँ बोलता है। कप्तान का ये जवाब सुन वहां खड़े सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या शिखर ने सच में कल रात जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, या था ये कोई षड्यंत्र? और कैसे निकलेगा शिखर इससे बाहर? जानने के लिए सुनते रहिए आपका शुभचिंतक।